नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेणुधर रौतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 के ये शेड्यूल आ चुका है। कब होगा एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में आइए हम जानते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 की जो परीक्षा होनी थी, आप सभी जानते हैं मई में एग्जामिनेशन होनी थी, ठीक है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन हो जाने के कारण जो है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि नया शेड्यूल कौन सा आया है, ठीक है। नया शेड्यूल को हम देखते हैं दोस्तों, और आप लोग भी जो है जरूर आप तैयारी करने में लग जाइए। ये देखिएगा आज का नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये आज का नोटिफिकेशन है और हम आपको जो है बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा 3 अक्टूबर 2020 का नोटिफिकेशन है। महत्वपूर्ण सूचना, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। क्या है जानकारी, जरा देखें। जानकारी ये है, देखिएगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/19 परीक्षा दिनांक 18/1/2019, यहाँ पर फिर 1/2/2019, फिर 7/2019, परीक्षा तिथि 23/2/2019 एवं 12/2019 परीक्षा 23/11/2019 के तहत सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त 1384 पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा की तिथि दिनांक 5 नवंबर से 8 नवंबर 2020 तक नियत की जाती है, ठीक है। उक्त परीक्षा की समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। देखिएगा, ये नोटिस आपको आज ही जारी किया गया है, यानी कि 5 नवंबर से चालू होगा, 5 नवंबर से लेकर जो है 8 नवंबर तक एग्जामिनेशन होगा, 8 नवंबर तक। और समय बहुत कम है दोस्तों, समय बहुत कम है। क्या समय बहुत कम है, यहाँ पर देखिएगा, आज हो गया 3 अक्टूबर, यानी कि पूरा एक महीने का समय है, एक माह का समय है, और पूरे इंडिया भर में इसमें अप्लाई किए हुए हैं, पूरा इंडिया भर के, ठीक है, अप्लाई किए हुए हैं और इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जामिनेशन होगा। भाई, एग्जामिनेशन कब हो सकता है, और ये कोरोना वायरस के कारण जो है ये भी रुक गया था, ठीक है। मई में एग्जामिनेशन होना था, मुझे पता है 4 मई से या 5 मई से एग्जामिनेशन होना था, शायद 4 मई से एग्जामिनेशन होना था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे जो है 5 मई को आता है, 5 मई को, और 5 मई को लॉ का पेपर था, वो भी शाम के समय, और मैं उस दिन बहुत बढ़िया हमारे बच्ची के जन्म पर जो है बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम रखने वाला था, और मेरे स्कॉलर लोग जो हैं 5 मई को एग्जाम देने जाते, तो मुझे पता है, याद आ रहा है कि 5 मई को जो है एग्जामिनेशन थी, यानी कि 4 मई से एग्जामिनेशन होना था, ठीक है, वो पोस्टपोन हो गया कोरोना वायरस के वजह से। अब नया तिथि आ गई है, 5/11/2020 से 8/11/2020 तक होनी है। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है, और आप लोग जो है अभी तैयारी करना छोड़ दिए होंगे, लेकिन अब जो है एक महीना का समय है, एक महीना का समय भरपूर समय है। पेपर फर्स्ट और पेपर टू, दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर टू, दो पेपर होना है। पहला पेपर जो है छत्तीसगढ़ पर आएगा, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आएगा, सभी लोग जानते हो पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शायद 50 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा, वो भी छत्तीसगढ़ से, सीजी से, सीजी जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल स्टडी, यानी कि छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे,
तो आप लोग जो है जल्दी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें, अब देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जरूर इसको जो है शेयर करें, ताकि जिनका भी एग्जामिनेशन है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, 1384 पोस्ट जो निकला हुआ है, इस 1384 पोस्ट में ये ऐसा अवसर आता नहीं है। और छत्तीसगढ़ के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये वैकेंसी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, यानी कि आप एक राजपत्रित अधिकारी होने जा रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़ का। और मैं अभी से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पेपर 2 जो है आपके सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स वाला है तो इकोनॉमिक्स का होगा, लॉ वाला है तो लॉ का होगा, हिंदी साहित्य का है तो हिंदी साहित्य का होगा। ठीक है, ये शायद 100 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे टोटल, शायद मुझे लग रहा है, कंफर्म मैं नहीं हूँ। ठीक है, 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, साक्षात्कार भी होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। सरकार की विचारधारा ये है कि जल्दी से भर्ती कर दिया जाए, जो कॉलेज में रिक्त पद हैं उसकी जल्दी से पूर्ति कर दिया जाए, ताकि क्लासेस जो है ठीक से चल सके, क्लासेस। ठीक है, क्लासेस को जो है चलाना है, अब देरी की कोई गुंजाइश नहीं दिखता है। ठीक है, अब 5 नवंबर लिखा हुआ है, तो 5 नवंबर से एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलिए, मैं विदाई लेता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।